निषाद पार्टी के राज्य स्तरीय कार्यकर्ता का संगोष्ठी कार्यक्रम रविवार को नागपुर स्थित वाड़ी में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद और सांसद प्रवीण कुमार निषाद उपस्थित थे। इस समय मीडिया से बात करते हुए संजय निषाद ने अपनी राय व्यक्त की। निषाद समुदाय को सत्ता मिलाकर हम इसे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से मजबूत कर उन्नत करने का मत व्यक्त किया है। ये देखो 16 अगस्त 2016 को पार्टी का गठन हुआ, 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जब निषाद राज के हाथ में सत्ता थी तो प्रजा सुखी थी, क्योंकि निषाद राज दुनिया से व्यापार करते थे, डॉलर की कीमत घटाते थे, भारत के रुपए की कीमत बढ़ाते थे, तब प्रजा सुखी थी। आज भारत में आजादी के बाद अंग्रेज जब देश में आए थे तो एक बिस्कुट लेने के लिए $20 देते थे, मतलब 20 गुना अंग्रेज गरीब थे, डॉलर 20 गुना कमजोर था और हम 20 गुना अमीर थे। 350 वर्ष में अंग्रेज उतने लूट पाए कि जब 1947 में भाग के जाने लगे तो एक रुपए का बिस्कुट $1 में पाने लगे। आज अंग्रेज आते हैं $1 खर्च करते हैं, 76 बिस्कुट पाते हैं। इसके बाद हम सभी पार्टियों को बटन दबाकर इस देश की जनता को गरीब बना दिया, आधा ये खा गए, आधा विदेश भेज दिया। जो राजनीति का हिस्सेदार है वो सबल है और जो राजनीति का शिकार है वो निर्बल है। जो बजट का हिस्सेदार है वो सबल है, जो बजट का शिकार हो निर्बल है। बजट क्या होता है? रुपए का लेना होता है, जनता से पहले वोट लो बाद में नोट ले लो। ये सारी पार्टियों ने इन्होंने लिया लेकिन दिया नहीं, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो विदेशी कंपनियां पार्टनर थे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे, उस बार ही हमने इम्प्लीमेंटेशन करा दिया था और नाम जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो पिछले साल 20,000 करोड़ मछुआरा समाज के लिए भारत सरकार के द्वारा दिया गया था, वो इस समय बढ़ाकर तकरीबन 33,000 करोड़ कर दिया गया आज के दिन में। और जो ये आम बजट पेश हुआ है, भारत सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस पर काम हो रहा है। अभी पूरी तरीके से अभी बजट का सदन नहीं चल पा रहा है कुछ बिंदुओं को लेकर, और निश्चित ही आने वाले समय में जैसे ही सदन सुचारू रूप से चलेगा पूरी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। निश्चित रूप से जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनमें आर्थिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन इस बार जो है एकलव्य महाविद्यालय के नाम से जो आदिवासी क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इसमें तकरीबन 200 विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार ने कर दिया और आने वाले कुछ समय में ये एकलव्य नामक विद्यालय हमारे समाज के गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे और उसको शिक्षित करने का काम करेंगे।